श्वसन जैव जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन द्वारा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ के साधारण से कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित कर दो। परिवर्तन करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो और साथ में ऊर्जा निकाल दो। उस क्रिया को हम साधारण भाषा में श्वसन की क्रिया कहते हैं। श्वसन की क्रिया वह क्रिया जिसमें जिसमें कॉम्प्लेक्स यौगिक जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है उसको साधारण से रूप में छोड़ दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है, साथ में ऊर्जा जो है निकलती है जिसको जो है जैव पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। अब श्वसन की प्रक्रिया, अब हम तो आपको पहले ही कह चुके हैं जितने दुनिया में जितने भी जो दुनिया में जैव है या जीवित पदार्थ है वो दो तरीके दो भागों में बांटा गया है, पहले पौधे और दूसरे जंतु। पौधों को प्लांट्स कहते हैं और जंतु को क्या कहते हैं, एनिमल्स। तुम याद करते हो ना, काउ इज ए पेट एनिमल, डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, काउ गिव्स अस मिल्क, डॉग ऑलवेज बार्क, बोथ काउ एंड डॉग आर पेट एनिमल्स। कहते हो बन कहते हो, डॉग इतना काम का नहीं है भाई, लेकिन काउ तो बहुत काम की है, काउ हमको दूध देती है, ठीक है। तो चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो दोनों ही श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। पौधे जो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं वो अमूमन रात के समय करते हैं। क्यों रात के समय करते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो कैसे हैं, स्वयंपोषी हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन रात को सोते नहीं है, आपको लगता है कि मम्मी ने सिखा रखा है कि पौधे रात को सोते हैं, चूना नहीं, पौधे रात को भी क्रियाशील रहते हैं। पौधे क्या करते हैं कि जितना भी ये भोज्य पदार्थ है उससे उनको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो क्या करेंगे कि जो भोज्य पदार्थ है मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन को मिला देंगे तो इसका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होने के बाद में क्या होगा कि ऑक्सीजन होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखो C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + H2O प्लस एनर्जी, ये क्या निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। 6CO2 + 6H2O + एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी निकलेगी इसका क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड में पानी में और एनर्जी में परिणित हो गई। एनर्जी का इस्तेमाल शरीर के विभिन्न प्रकार की चयापचय की क्रियाओं में कर लिया गया, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को या तो यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, नहीं करता तो सुबह के टाइम जो है स्टोमेटा छिद्र के द्वारा इसको बाहर निकाल देता है, और यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को हम पौधे का श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर, हमेशा ख्याल रखना कि पौधे की श्वसन क्रिया अमूमन रात के समय होती है। बेटा ख्याल रखना, ऐसे बहुत से हम तुमको पौधे बता दें जो पानी के अंदर रहते हैं जिन्हें हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं।
वे पौधे पानी के अंदर रहते हैं, वे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, वे क्या करते हैं पानी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में शोषण कर लेते हैं, और शोषण करने के बाद में इस शोषण करने के बाद में अंदर ऑक्सीजन की क्रिया करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिर बदल देते हैं, पानी में रहते हैं, और जो एनर्जी निकालते हैं वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है या वो ऊर्जा इस्तेमाल हो जाती है। चलिए अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जंतु वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का इस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को यदि जंतु बहुकोशी है तो वो उसके द्वारा विभिन्न अंग होते हैं उनसे बाहर निकाल लेता है, जैसे फुफ्फुस या फेफड़े आदि, और यदि छोटे होते हैं तो ऑस्मोसिस की विधि से उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मेम्ब्रेन या झिल्ली से बाहर निकाल देते हैं। अर्थात श्वसन जैव प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को इस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में सिंपल कार्बोहाइड्रेट या अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई जाती है, ये ऊर्जा शोषण कर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः बाहर निकाल जाता है। इस प्रक्रिया को हम जंतु श्वसन जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं मानव की या मनुष्यों की। मनुष्यों में जैव परिक्रम ये अपना शरीर का हमने आपको एक हिस्सा बना के बताया है, नाम देखिए, नाक होती है, ऐसे कौन कौन से बच्चे भी खड़े हो जाए जिनके नाक नहीं है, कोई है वैसा बच्चा जिसके नाक ना हो तो बताओ, ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए जिसका नाक नहीं है, सबके नाक लगे देख लो। नाक का मतलब वेस्ट मटेरियल मत समझना, कि इसको नाक बहना बोलते हैं, कहते हैं ना मम्मी भैया की नाक बह रही है, कभी आपने नाक को बहते हुए देखा है, मम्मी से पूछना है कभी किसी की नाक बहती है, जैसे तुम तो मम्मी से कहते हो नाक बहती है, ये मिथ है, ये मिथ्या बात है। नाक एक जगह स्थिर रहती है, कभी बहती नहीं है, बल्कि नाक के अंदर भरा हुआ द्रव बहता है, ठीक है, जिसे नेजल फ्लूइड कहते हैं। लेकिन नेजल फ्लूइड कभी नहीं कहते हो मम्मी नाक से कुछ अंदर से आ रहा है, ये कभी कहते हो तुम नाक बह रही है, ये कहते हो, ठीक है, आज से नाक बहना ना कहना, बल्कि कहना मम्मी हमारे भैया के नाक से कोई चीज जो है बाहर आ रही है, ठीक है, इसे नेजल फ्लूइड बोलते हैं। ये नाक है बेटा, नाक के अंदर तो देखोगे एक छिद्र बना है, ये छिद्र आगे चल के जो है काय से तुम देखो ऐसी संरचना से जुड़ा होता है जिसे हम लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स वह संरचना होती है जिससे आवाज भी निकलती है, ठीक है, जिससे क्या निकलती है, आवाज निकलती है, ठीक है, और इस लैरिक्स से आगे चल के एक जो है आपने देखा होगा बीच में ऐसी गांठ नुमा संरचना मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। ये ट्रेकिया आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक जो है ट्रेकिया एक बड़े से त्रिकोण आकार के फुफ्फुस या फेफड़े से जुड़ी होती है, लेकिन जुड़ने से पहले ये ट्रेकिया छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती है, जिस शाखा को हम प्राथमिक ब्रोंकाई कहते हैं। प्राथमिक ब्रोंकाई आगे चल के द्वितीयक ब्रोंकाई में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से एक फेफड़ा इधर है तो दूसरा फेफड़ा ऐसा ही दूसरा भी मौजूद होता है, इसमें भी ऐसे ब्रोंकाई होते हैं जैसे इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये कैसी संरचना हो गई, श्वसन की संरचना हो गई। बच्चों हम बात कर रहे थे श्वसन की, श्वसन में हम क्या कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि अपन सब लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी जो है मतलब ऊर्जा जो बनती है उसका हम जो है अपने शरीर में इस्तेमाल कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं।
ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं। वायु को अंदर खींचा, अंतःश्वसन, और अंदर की वायु को बाहर निकालना वाह श्वसन। अंतः मतलब अंदर लेना, वाह मींस अंदर से बाहर निकालना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। अब जब ख्याल रखना बेटा, जब हम अंतःश्वसन की क्रिया करते हैं अर्थात बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं, तो हमारे तुम देखना यहाँ पे हड्डियों के बीच में दो में बाइफर्केशन है। क्या है? दो जो है यहाँ पे चौराहा मौजूद है, उसके बीच में एक डायफ्राम मौजूद होता है। वो हम डायफ्राम देखो आपको चित्र से बताते हैं कि फेफड़ों में डायफ्राम कैसे होता है। ये है डायफ्राम, ये वाला डायफ्राम है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? डायफ्राम है ये। तो जैसे ही हमने सांस को गहरी अंदर, रामदेव बाबा क्या कहते हैं, सांस को गहरा लो, अपन सांस गहरी ली, तो डायफ्राम क्या होता है, ये नीचे की ओर आ जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है। और जैसे रामदेव बाबा का सांस अंदर से बाहर छोड़ो, वैसे क्या होगा, ये प्रक्रिया उल्टी जाती है, ये डायफ्राम ऊपर चला जाता है, और ये प्रक्रिया बराबर से चलती रहती है, ठीक है। कभी सोते हैं कभी श्वसन क्रिया बराबर चलती है, अपन जागते हैं तो भी श्वसन क्रिया बराबर चलती रहती है। जैसे जैसे जिस दिन अपना श्वसन बंद हो जाता है, उस दिन ये सबसे पहले समझ जाता है कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, नाक के पास हाथ लगा के देखता है, वो कहता है इसका जो है सांस नहीं आ रही, मीन्स ये कैसे हो गए हैं, स्वर्ग के वासी हो गए हैं, ठीक है। तो श्वसन जो है या सांस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर सांस नहीं तो हमारा जीवन कदापि नहीं होता। अब हम तुमको बताते हैं एक बात, ये तो मानव की बात होगी, अब हम बात करते हैं अपने शरीर में पेशियां होती हैं पेशियां जितने हमारे शरीर में जो होती हैं, वो भी उनमें भी इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो क्या होती हैं कि ये क्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थित में करती हैं, ठीक है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थित में ये क्रिया करती हैं। कार्बोहाइड्रेट को जो है ये तोड़ती काय में है, ये लैक्टिक एसिड में तोड़ती हैं, ठीक है। इसके अलावा वे जितने भी प्राणी जो जिनका शरीर एक कोशी होता है, वे भी श्वसन की क्रिया इस ऑक्सीजन के अनुपस्थित में करते हैं, लेकिन वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी नहीं बनाते, लेकिन एनर्जी वो ही बनाते हैं। जैसे तुमने केक खाया, केक कैसे बना, खमीरे से बनके बना है। अगर आप खमीरे की संरचना देखोगे, तो ये खमीरे की संरचना ऐसी होती है जिसे हम साधारण भाषा में ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। ये खमीरा क्या करता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट को कहां तोड़ देगा, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में प्लस ऊर्जा निकालेगा, ठीक है। हमेशा ख्याल रखना कि श्वसन की क्रिया में चाहे ऑक्सीजन को लो या न लो, ऊर्जा सदैव बनेगी। अगर ऑक्सीजन लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी। ऑक्सीजन नहीं लिया है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगी मसल्स में, और ऑक्सीजन नहीं लिया है तो जितने भी निम्न श्रेणी के प्राणी जिनका शरीर एक कोशिका श्रेणी के बना होता है, वे कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में तोड़ देते हैं और ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की अनुपस्थित में अल्कोहल में टूटता है और जो ऊर्जा निकालता है, तो इस प्रकार को अवायवीय श्वसन कहते हैं, और इसकी क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन
किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, या जिसको अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वसन की वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसको वायवीय प्रक्रिया कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी निकलती है जब इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब एक मसल्स में या उत्कम होता है तो इसमें लैक्टिक एसिड बनती है। ठीक है, और इसके अलावा यूनिसेलुलर एकोसी जीवों में जब ये क्रिया होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थित में जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो जो है सबसे पहले क्या होता है, अल्कोहल बनता है, ऊर्जा बनती है। हमेशा ख्याल रखें चाहे कौन सी प्रक्रिया होती रहे, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पायरुविक अम्ल में टूटेगा, पायरुविक एसिड में टूटेगा, और पायरुविक एसिड के टूट में चाहे अल्कोहल में टूट जाए, चाहे लैक्टिक एसिड में टूट जाए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटे, इसका सबसे पहले लैक्टिक एसिड जरूर बनेगा। जैसे घर के अंदर तुम्हारी मम्मी मुख्य है ना, कोई भी घर से बाहर जाएगा मम्मी से परमिशन लेके जाएगा। वैसे इस प्रक्रिया में अगर श्वसन प्रक्रिया हो रही है, चाहे ऑक्सीजन हो रही है नहीं हो रही, कोई नियंत्रण नहीं है, पायरुविक एसिड जरूर बनेगा, पायरुविक एसिड जरूर परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है,